बच्चे होते हैं, जब तक एक संपूर्ण योजना बनाकर हम ना सिर्फ मूलभूत सुविधा लोगों को दें लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा, हमारी माता बहने यहाँ मौजूद हैं, हमारे बच्चे बच्चियां अच्छे माहौल में उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाकर हम लोग उनको वो लाभ दे पाए ताकि हमारे बच्चे भी बड़े होकर इस क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन कर सके। इसलिए मेरा ध्यान इस पर ज्यादा केंद्रित रहता है कि हमारे क्षेत्र में स्कूलों की संख्या बढ़े, स्कूल प्रोन्नत हो, कक्षाओं के लिए नवरमा निर्माण हो और टीचर और जो सब्जेक्ट है उसमें कहीं हम लोग किसी से पीछे ना रह जाए, इस पर लगातार हम लोग काम करते हैं। प्रदेश और देश में जो हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने है। आज देश के अंदर जो शासन चल रहा है, ब्रेकिंग लिखा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। दौलत, हम सब लोगों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। आप और हम दोनों जानते हैं कि देश में, प्रदेश में महंगाई के क्या हाल हैं, रोजगार के क्या हालात हैं, उद्योग के क्या हालात हैं। ब्लैक आ रहा है। 7-8 साल पहले कहा गया था कि देश में महंगाई को खत्म कर देंगे, काले धन को समाप्त कर देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा करा देंगे। ना तो काला धन खत्म हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई, महंगाई जरूर आसमान छू रही है। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और निवेश हो, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, इस तरफ ध्यान केंद्र सरकार का तो बिल्कुल है नहीं। जिस तरह की राजनीति की जा रही है लोगों को, मध्यम वर्गों को, खासकर किसान लोगों को, जो लोग इस देश का पेट पालते हैं, उन किसान परिवारों को आज जो मदद, सहायता, सहयोग मिलनी चाहिए उसके विपरीत काम हो रहा है। हम सब जानते हैं कि किसानों के खिलाफ जो कथित रूप से 3 कानून बनाए गए थे, तो क्या हल रहा? एक लंबे अरसे तक आंदोलन चला,